देश दुनिया के लगभग दर्जन भर फिल्म समारोह में वाहवाही लूटने के बाद आखिरकार अनुराग की फिल्म अगली अब रिलीज के लिए तैयार है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिर ये स्ट्रगल था फिल्म का भी, मुझे लगता है। बिल्कुल, इंतजार था। आपको लगता है फिल्म में जिस तरह से स्ट्रगल्स की कहानी, लगता है फिल्म वो दो तीन साल तक एक स्ट्रगल करती रही ऐसा ही? नहीं, इस फिल्म ने ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं की है क्योंकि बहुत ही आराम से हमने बनाई, 50-60 दिन में कंप्लीट की, उसके बाद पूरा दुनिया घूमी। और यहाँ पे तो एक सिर्फ जो रिलीज का मामला था वो नो स्मोकिंग के लिए, बीच में एक बहुत बड़ा केस जो है कश्यप साहब ने कोर्ट से लड़ा। अब कोर्ट ने बोला नहीं डालिए तो डाल देंगे, कोर्ट की तो हम कोर्ट का मान रखते हैं, सम्मान करते हैं और हम डालेंगे। तो ऐसी फिल्म एज सच कोई स्ट्रगल की कोई कहानी नहीं थी, तो फिल्म की एक नेचुरल जर्नी थी। और मुझे लगता है जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है और अच्छा टाइम है, अच्छे टाइम पे रिलीज हो रही है। अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, जब फिल्म समारोह में जाती है और बहुत वाहवाही मिलती है, सराहना मिलती है, एक अलग तरह की जिम्मेदारी और थोड़ा डर भी लगता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा किस तरह का डर है, किस तरह का कॉन्फिडेंस है और क्या मन में चल रहा है आपसे? डर तो नहीं है, एक एक्साइटमेंट है और ऑफकोर्स रिव्यूज काफी अच्छे मिले हैं जहाँ पे भी गया है ये फिल्म। और एक एक्साइटमेंट है, ऑफकोर्स ऑडियंस को देखना है, पसंद करना है, तो ये थोड़ा सा मतलब डर नहीं कह सकती पर एक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एक जो फीलिंग है वो है। राहुल के मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में भी गई, उसके बाद न्यूयॉर्क में भी मुझे बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन मिली। हर जगह जहाँ ये फिल्म गई है सराही गई है। तो सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ भारत में जैसे हम बोलते हैं कि अरे कब तक हम वही फिल्में देखेंगे, कब तक वैसी फिल्में जिनमें कोई कहानी नहीं होगी, हम बड़े स्टार्स के साथ बुरी फिल्में बनाते रहेंगे, कब तक वो सब चलता रहेगा। तो ठीक है, लीजिए, हम एक अच्छी फिल्म देते हैं आपको जिसमें एक बेहतरीन कॉन्टेंट है जो सराहा गया है वर्ल्ड ओवर। तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ भी लोग पसंद करेंगे। आप क्या कहेंगे? आई थिंक जैसा एक्चुअली समाप्त ही करूंगी क्योंकि तेजस्विनी और राहुल ने कह दिया कि एक्साइटमेंट है। ऑल्सो ऑडियंसेस का बहुत फर्क है, आप यूरोपियन अमेरिकन दुनिया की कहीं भी आप जगह देखें कल्चरली फर्क होता है, इस वजह से आई थिंक ऑडियंस की एक्सेप्टेंस में भी फर्क होता है। व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड हियर इज कि हमारी इंडियन ऑडियंसेस, जैसा राहुल ने कहा कि कहती हैं यू नो कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स हो, कुछ अलग देखें, कुछ नया देखने को मिले, जब वो हो रहा है तो आई एम एक्साइटेड और हम सब एक्चुअली लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि यहाँ अपने देश में इस नए सब्जेक्ट पर, इस कंटेंट ड्रिवन फिल्म पे ऑडियंसेस का रिस्पांस कैसा होता है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर अक्रॉस द बॉर्डर्स आई थिंक फिल्म को बहुत क्रिटिकल अक्लेम मिला है। फिल्म में बहुत सबकी परफॉर्मेंसेस सुपरलेटिव परफॉर्मेंसेस है, बहुत ही उमदा काम किया है सब ने। तो उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ की ऑडियंसेस भी इसे रिकग्नाइज करेंगी कि ये एक फिल्म है जो शायद असलियत और अगलियत के साथ साथ आपको एंटरटेन करेगी और एक नया नजरिया देगी। पिता के संघर्ष की कहानी, चाहे वो अपने बच्ची को खोजने की बात हो, चाहे या फिर अपने काम में स्ट्रगल की हो, ये कैसा पिता है? कैसा पिता है, मतलब पिता है बेचारा, बहुत ही खराब बेचारा, बहुत बेचारा पिता है। और देखिए, किसी पिता कितना भी खराब हो, माँ या बाप जो होते हैं वो हमेशा माँ बाप ही रहते हैं। उनकी बेटी अगर गायब हो जाए तो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एक ऐसे ही बाप की कहानी, वैसे ही बाप है, कोई स्पेशल तो नहीं है, ऊपर से एलियन नहीं है, यही का बाप है, यही के इमोशन है उसके। माँ के अंदर किस तरह की तड़प है बेटी को पाने के लिए? बहुत तड़पी है। बिल्कुल राइट टाइम टू आस्क मी। फिल्म का नाम अगली है तो मैं एक एक सवाल आपसे सबसे पूछूंगा कि हम सबका एक अच्छा और बुरा चेहरा होता है, क्या आप बता पाएंगे कि आपका बुरा चेहरा क्या है? आपको लगता है आपका अगलीनेस क्या है? काम बताइए सुरविना पहले। मेरा गुस्सा। क्या बात है, किस तरीके, मतलब क्या करती हैं जब गुस्से में होती हैं तो ऐसा क्या करती हैं? या ऐसा कोई हादसा हुआ हो? नहीं, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो पहले मैं उसे अंदर बॉटल अप करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, और फिर वो वोल्केनो एकदम एक दिन सडनली इरप्ट होता है। तो लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि अरे यार, जब वो ऐसा कोई कुछ हुआ, हादसा, कोई ऐसी सिचुएशन आई, तब तो नहीं बोली, तब अरे तब भी नहीं बोली, बट आई हैव अ कैपेसिटी कि आई कीप बॉटलिंग अप टिल मुझे कोई ऐसी दीवार तक पुश ना कर दे,
तो फिर मेरा ऐसे वोल्केनो इरप्ट और बर्स्ट होना ही होता है। बच के रहना पड़ेगा आपसे। आपके अंदर क्या है ऐसा? देखिए, इंसान में कई बुराइयां होती है। मुझे लगता है कि हमारा हम अपनी जिंदगी में यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी बुराई को मिटाएं और अच्छाई की जीत हो, ये हमारा। और कई आई मीन व्हाट काइंड ऑफ बुराई, देयर आर सर्कमस्टेंसेस आपको बुरा बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। देखो अगली सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगली फिल्म करने के बाद, अगली हमारी फिल्म करने के बाद, आप अभी इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आप अपनी अगलियत को एक्सेप्ट कर लीजिए, बता दीजिए। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं अगली चीजें, आप हमारे अंदर है। आप देखिए फिल्म में कितने अगली है, कुछ ऐसा अगली नहीं दिखाई। मैं अब चला चला के कहूँ कि मैं अगली हूँ, मेरे ये बुराई है, मेरी वो बुराई है, वो तो खैर सेट पे मुझे बहुत पीटा है और सच में थप्पड़ मिला है। अच्छा, वो इन्होंने कहा था, वो इन्होंने खुद कहा था कि नहीं कुछ मजा नहीं आ रहा है, आप मुझे मारिए। आप मारिए, पर मुझे नहीं लगा था कि मतलब इतना जोर से मारेंगे। बहुत मारा है, दिख रहे हैं यहाँ पे आप लोग। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन गौरव के साथ संजय मिश्रा, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई।